हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउशनदीप फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज आपका जो लेक्चर नंबर 4 है, जहां पर हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, उनका वीडियो शूट कर लिया गया है, उनका लेक्चर रेडी कर लिया गया है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर जाके आप सीएल बाय लेक्चर को देख लेना। आज की इस क्लास में काफी इंपॉर्टेंट जेईई नीट और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपके 3 तरह के एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस होते हैं, उनमें से 1 by 1 हम करेंगे और एक लेक्चर में हम एक एप्लीकेशन को कवर करेंगे, सेकंड लेक्चर में दूसरे को और थर्ड लेक्चर में तीसरे को। यानी इसके 3 लेक्चर आएंगे और 3 लेक्चर में आपको हर टाइप का सवाल करना आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, मैं बता देता हूं पहला क्या कंसेप्ट है, पहला क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यानी कि कोई आपको इक्वेशन दिया होगा, अब वो इक्वेशन करेक्ट है फिजिकली या इनकरेक्ट है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम उसको बता सकते हैं। बेटा, ये कंसेप्ट इतना जबरदस्त होता है कि नीट जेईई के बड़े बड़े क्वेश्चन को भी चुटकियों बना देता है, ठीक है? सीखेंगे हम। अच्छा, दूसरा क्या है कि बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्या ड्राइव कर सकते हैं? फॉर्मूला। तो ये हमको बताता है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा साहब, आप कितनी वेराइटी के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं वो सब हम सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है? और थर्ड है अपना लास्ट, टू कन्वर्ट ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 newton कितने डाइन के बराबर होता है, 1 joule कितने अर्ग के बराबर होता है, इस तरह की कन्वर्जन हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। तो आइए इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है? वन वन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है? चलिए, पॉज करके नोट कर लिया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला एप्लीकेशन समझते हैं बच्चों। तो मैं इसको रब करता हूं और इसके सवाल देखिए, सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में और मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल ईजी होते हैं। देखिए, तो आज की क्लास में हम इस एप्लीकेशन को कवर करेंगे, ठीक है? ये लेक्चर नंबर 4 है। आप देखिए बेटा, आपके सामने एक सवाल आया है, ध्यान समझिएगा। एक लेते हैं, बहुत ही शानदार सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, आपके सामने दिया हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अच्छा, ये एक इक्वेशन है। क्या सर ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो देखो, इसकी करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस हम चेक करेंगे किसकी बेसिस पर? डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस। हमको ये डायमेंशनल एनालिसिस से क्या पता चलेगा? देखो, दो चीजें होती है चेक करने की, एक तो इसका फिजिकली करेक्टनेस हम देखेंगे और दूसरा इसका डायमेंशनली करेक्टनेस हम देखेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम केवल इसका डायमेंशनली करेक्टनेस पता लगा सकते हैं, फिजिकली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये पता लगा नहीं सकते। अच्छा, लेकिन सर फिजिकली करेक्टनेस पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप आगे जाकर डेरिवेशन सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर गलती से यहां पर 3/2 mv² आ गया तो ये फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम जब डायमेंशनली सॉल्व करेंगे तो ये करेक्ट आएगा, ठीक है? तो जो चीज डायमेंशनली करेक्ट है ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगी। एनीवे फिलहाल हम इसका डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, वो हमारा राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, अब आपको पता होगा बेटा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कांस्टेंट का तो नहीं होता साहब, ये जो कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको साइड में करो, फॉर्मूला किसका होता है सर? इसका होता है। तो इसको लेते, तो यहां पर क्या है, 1/g वेयर 1/2 इज अ कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? बाकी सब क्वांटिटीज को तुम पहचानते हो, m मतलब मास होता है, g क्या एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी, h क्या होता है हाइट होता है, v वेलोसिटी होता है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं। देखो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा तुम्हारा? सर मास का m होता है, ठीक है साहब? सर वेलोसिटी का क्या होता है? सर वेलोसिटी का होता है बेटा lt-1, पावर 2 है तो 2 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इक्वल टू में राइट हैंड साइड है। देख, मास का क्या होता है तेरा बेटा? m होता है। जी क्या है? एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी, इसका एक्सेलरेशन तो है एल टी माइनस 2 होता है साहब।
और हाइट का क्या होता है, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ का क्या होता है डायमेंशन बोला एल होता है, ठीक है था। अब देखो तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो एम एल, अच्छा सॉरी ये एल की पावर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, यहाँ पर एल की पावर टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, यानी कि ये आ गया तुम्हारा इक्वल टू, मैं भी यही आ गया तो समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन, ये वाला इक्वेशन करेक्ट है। तो देखो एम, देखो ये एल और ये एल कितना हो गया टू, और टी की पावर कितना है माइनस टू, तो देखो एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम आ गई, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है, सो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट है या नहीं है ये हम इससे पता नहीं लगा सकते, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है ये हमने इससे पता लगा लिया, क्लियर है। और आप एक बात समझिए, ये एम एल टू टी माइनस टू किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। एम जी किसका फॉर्मूला होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, तो यानी कि एनर्जी बराबर क्या आ गया, एनर्जी आ गया, क्लियर है बेटा। तो इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन देखिए, समझ में आया कैसे किया, नहीं आया कोई बात नहीं, और करते हैं, अब आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आती चीज़ें, लेकिन सीखेंगे आएगी, ठीक है। बस डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप विजिट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको दिया है, सपोज मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, वी इक्वल टू यू प्लस et, सर ये एक इक्वेशन होता है, सर ये फिजिकली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, हम तो भैया यहाँ पर डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने आए हैं, फिजिकली है या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, अच्छा था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल टी माइनस वन होता है। यहाँ क्या है तेरा, यस यू है, यू भी तो तेरी इनिशियल वेलोसिटी होती है, पता होगा यार क्लास नाइन में तुमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो वहां से तुम समझ सकते हो कि वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, तो अगर तुमने वो पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि ये करेक्ट इक्वेशन है, फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, फॉर्मूला तो एक ही होता है भाई। एक्सीलरेशन का क्या होता है सर, एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, टाइम का क्या होता है साहब, टाइम का होता है टी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखो ये है एल टी माइनस वन और ये कितना आ गया तुम्हारा एल टी माइनस वन, देखो सेम टाइप की क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई, तो सेम टाइप की क्वांटिटी, इसको ऐड करोगे तो टू आएगा, टू से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो और लिख लेते हैं फिर भी एल टी माइनस वन, टू तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो उसको मारो गोली। तो तुम ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई कि नहीं, सर बराबर आ गई, तो क्या प्रूफ हो गया, सो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि ये वाला इक्वेशन भी आपका डायमेंशनली करेक्ट है। और देखिए इसको आप पॉज करिए, नोट करिए, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसी तरह के, टेंशन मत लो, और भी करते हैं, देखो इसको रब कर दें, चलो रब कर दें, रब कर देंगे। और देखिए बेटा एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ आपको, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का, देखिए एक टाइम पीरियड आपको एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है, टू पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, यहाँ पर एल इफेक्टिव लेंथ है, जी आपका एसेसर डी टू ग्रेविटी है, और टी क्या है पेंडुलम का टाइम पीरियड है, और टू पाई तो कांस्टेंट है, उसको मानो गोली, हमें तो इनसे मतलब है। देखो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है साहब, सर टी तो होता है, अच्छा ठीक है साहब, सर लेंथ का क्या होता है साहब, तो लेंथ का एल होता है, एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, सॉरी टू होता है, गलत लिख दिया, देखो एल से एल कैंसिल, टी ऊपर चला गया, टी कहाँ चला गया सर, ऊपर चला गया, तो टी की पावर टू, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि तेरा आ गया टी इक्वल टू टी। तो देखिए ये भी टी बराबर टी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा बहुत बढ़िया सर, चलिए इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और सवाल देखिए, और सवाल देखते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है यार, कुछ नहीं है, देखो और क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया मान लीजिए इन लोगों ने क्या क्वेश्चन दे दिया, एरिया का फॉर्मूला दे दिया आपको, एरिया इक्वल टू क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है।
अब हमको ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये किसका एरिया है? सर्कल का एरिया। ठीक, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा? एरिया का होता है एल स्क्वायर होता है साहब। पाई को मारो गोली। आर क्या? रेडियस। रेडियस का क्या होता है? एल स्क्वायर लगा था स्क्वायर, तो लो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, तो ये भी क्या है आपका? डायमेंशनली करेक्ट। तो आप किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हो। काफी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है ये कंसेप्ट हमारा कि कोई भी फॉर्मूला आपको दिया है अगर वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आप किससे पता लगा सकते हो? डायमेंशनली डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, इसी तरह से देखो मैंने आपको एक और सवाल दिया। मैंने दिया आपको बेटा एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको चेक करते हैं। देखो एस मतलब तेरा डिस्टेंस। एस क्या होता है? तेरा डिस्टेंस ही तो होता है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तेरा एल होता है। क्लियर है बेटा? ठीक। U क्या होता है? तेरा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का कितना होता है? एल टी माइनस वन होता है साहब। टाइम का क्या होता है? टी होता है प्लस हाफ को मारो गोली, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। एक्सेलरेशन का ए टी माइनस टू होता है। टाइम का टी होता है लेकिन स्क्वायर लगाया था स्क्वायर लगा ले। देख ये वाला पार्ट, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो यानी कि एल आया इधर से और एल आया इधर से। एल और एल टू एल हो गया, हमको टू को मारनी है गोली, उससे कोई मतलब नहीं है। टू इज अ कांस्टेंट, एल बराबर एल आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हारा डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मैं गलती से यहां पर 3y2 रख देता तब भी ये इसको डायमेंशनली करेक्ट कर देता, लेकिन ये फिजिकली इनकरेक्ट होता। क्योंकि फिजिकली इनकरेक्ट इसलिए होता क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम इसको जब प्रूव करेंगे किसी मेथड से तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, ना कि 3y2 a t² आता है। ठीक है, इसको पॉज करिए और नोट करिए। एक दो सवाल और करते हैं, और करते हैं सवाल बेटा, बिल्कुल आसान है, समझ में आया? चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं। तो बढ़िया सवाल कराता हूँ। न्यू इक्वल टू आपको दिया है 1 अपॉन एल अंडर रूट में टी अपॉन एम। अब यहां पर न्यू क्या है? तेरी फ्रीक्वेंसी। एल क्या है? तेरी लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टी क्या है? तेरा टेंशन। एम क्या है? तेरा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, याद रखना। इसमें स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, t क्या है? टेंशन, यानी कि फोर्स है तेरा। l क्या है? लेंथ है। अब इसको हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। फिजिकली से हमको कोई मतलब नहीं है, फिजिकली हम सीखेंगे बाद में जब हम डेरिवेशन वगैरह आगे जाके करेंगे चैप्टर में। देखो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टी माइनस वन होता है। ठीक है, वन अपॉन एल। एल का क्या होता है? एल ही तो होता है अंडर रूट में। टी क्या है? फोर्स। फोर्स का क्या होता है सर? एम एल टी माइनस टू होता है। ठीक है साहब, मास पर यूनिट लेंथ। देखो मास पर यूनिट लेंथ मतलब एम अपॉन एल। ठीक है, एम अपॉन एल, यानी कि एल लेंथ का मास एम है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? एम अपॉन एल। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे तो एम एल माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो रख दो यहां पर एम एल माइनस वन। देखो एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक है साहब, इसको मैं यहां करता हूं, यहां करता हूं बेटा टी माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन एल, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? देखो ये एल ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। एक मिनट रुकना, जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एल ऊपर जाके एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू है। अब देखो वन अपॉन एल, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो एल आएगा और टी आएगा, सही कि नहीं? टी माइनस वन आएगा, कितना आएगा? टी माइनस वन। ओके, समझ गए ना बात को? ये एल से ये एल कैंसिल हो गया तो टी की पावर माइनस वन, और ये लेफ्ट हैंड साइड में चली जा टी की पावर। देखो ये भी हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो ये भी हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को बता चेक करके बता सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो हम कह देंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिजिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये आप नहीं बता सकते, ओनली क्या करेक्टनेस बता सकते हो? डायमेंशनली। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन किया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसके आगे के एप्लीकेशन। बच्चों आज की क्लास यदि आपको पसंद आई तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।